टुडे आज तक न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल मैं टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात होगी मेवात में चुनावी मुद्दों की। आखिरकार मेवात में जो है चुनावी गर्माहट बड़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और तरह तरह के वादे भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक जो नई बात निकल कर आ रही है पब्लिक में, ऐसा होता है कि कई बार जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की अगर बात की जाए तो बाहर से बनवा कर फर्जी तरीके से शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं और जिनके दम पर जो मेवात जिले में ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में आज हमारे साथ जो है ग्रामीण विकास निगरानी समिति के पुन्हाना ब्लॉक अध्यक्ष मौसिम डूडोली जुड़ चुके हैं और ये बताएंगे आखिरकार ये लोग जो जाते हैं यानी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र इनके बाद में फर्जी पाए जाते हैं, नामांकन भी हो जाता है बाद में, यानी कि बहुत से प्रत्याशी अपनी किस्मत अजमाते हुए जीत भी जाते हैं लेकिन बाद में फर्जी तरीके से जो प्रमाण पत्र इनके निकलते हैं कहाँ कहाँ से बनवा कर लाते हैं और क्या कहना है आपको इस बारे में? भाई यहाँ पे जो हमारे पूरे मेवात में ही, हमारे गाँव से नहीं मेवात में पूरी में ही जो भी सरपंच चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ना, ज्यादातर सब पे ही फर्जी 8वीं 10वीं मिलती है और सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि इनकी या तो कोई टेस्ट लिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बाद में कोई सस्पेंड होता फिरता है कोई कुछ, क्योंकि इनका कहीं इलाहाबाद यूपी है, कहीं कर्नाटक है, एमपी है, कोई कुआं नहीं छोड़ा है इन्होंने जहाँ से फर्जी 8वीं 10वीं करा लेते हैं। तो ऐसा उनसे तो अच्छा है कि पहले इंक्वायरी करके किसी पढ़े लिखे के हाथ में गांव के सरपंच ही जाए ताकि विकास हो, ऐसे रुपये वालों के हाथ में ना जाए जो फर्जी सनद बनवा लाते हैं जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, स्कूल में गेट तक जाके नहीं, ऐसे आदमी सरपंच की दौड़ में भागे फिर रहे हैं, क्या फायदा उनसे जो फर्जी है सारा कुछ इनके पास। सरकार को सोचना चाहिए, इनका एक अच्छा से कोई टेस्ट लेना चाहिए, इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए ठीक से ताकि कोई गरीब आदमी पढ़ा लिखा आदमी आगे आ सके, क्योंकि उन आदमी को अवसर ही नहीं मिलता ऐसे उसके आगे। आखिर इस मसले पर मैं आपको बता दूं, शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसके लिए यानी कि लोगों को विदेश जाना पड़ता है, दिन रात एक कर यानी कि डिग्रियां हासिल करनी पड़ती है। यहां पर अगर चुनावों की बात करें तो यहां जो है पैसों के दम पर जहां चुनाव लड़ा जाता है ऐसे में शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी पैसे के दम पर बनाए जाते हैं। जाहिर सी बात है यानी कि शिक्षा हासिल करो यानी कि चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े, बड़े बड़े विद्वानों ने जो बात कही थी उस बात को दरकिनार कर कर जो पैसे वाले लोग यहाँ पे जो पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो चुनाव के टाइम पे काफ़ी पैसा जो पब्लिक में यानी कि देते हैं और फिर यानी कि एक उपाधि लेते हैं कि भाई मैं गांव का सरपंच हूँ या ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, कहीं पर भी आप जाके बात करिए और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की अगर बात करें तो मेवात ज़िले में पिछले बार भी कई जो सरपंच बन गई थी उनके बाद में अगर उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जब सही प्रकार से जांच हुई तो बिल्कुल फर्जी पाए गए और पता नहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, कर्नाटक बोर्ड से, पता नहीं कहां कहां से जो है प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं पास के जो बनवाए गए थे जो पूर्ण तरीके से फर्जी पाए गए हैं। हालांकि एक सरपंच की मैं बात करूंगा, मल्लाका गांव की सरपंच पर जो है हाई कोर्ट ने रिकवरी भी डाली है और साथ में फर्जी प्रमाण पत्र घोषित करते हुए मुकदमा भी जो मेवात में पहले दर्ज हुए थे, लेकिन एक बार जो है अधिकारियों को प्रशासन को भी सोचना चाहिए जो इस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र के दम पर चुनाव जो प्रत्याशी लड़ते हैं पहले उनके प्रमाण पत्र की सही प्रकार से जाँच कर तभी उनको नामांकन करना चाहिए।